Student, this is the wishart distribution using R. Vishart distribution we use. Karte when we have the sampling distribution of sample variance in univariate case, we will move to the chi square. When we have the sampling distribution of sample variance in multivariate case, we will move to the wishart distribution. So, this is the example of the Vishart distribution using R. Now, here is the example.

इस स को वेरियंस मैट्रिक्स को हमने यूज करके हंड्रेड रेंडम सैम्पल्स विचार डिस्ट्रीब्यूशन के जनरेट करने हमने उसके मेन मैट्रिक्स फाइंड करना सो लेट्स मूव टू दर नाउ दिस इज द आर स्टूडियो सो हेयर इज द लाइब्रेरी मैथ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी मैथ इंस्टॉल करनी वो पैकेजेस में है इसके पैकेजेस यहाँ पे आपके पास है पैकेजेस देन इंस्टॉल इंस्टॉल में हम लिख लेंगे लाइब्रेरी मैथ मैथ इसमें इंस्टॉल है आप लोग के पास मेथड है कि पैकेजेस इंस्टॉल में से हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें देन वी हैव पी इक्वल्स टू थ्री अब पी क्या है हाउ मेनी डायमेंशन थ्री क्रॉस थ्री आपके पास था वी हैव थ्री डायमेंशन सो पी इक्वल्स टू थ्री एंड स्केल स्केल जस्ट हमने इसकी नोटेशन दी हुई है दिस इज दल स्केल हम कैसे बना रहे हैं द मेट्रिक्स जो गिवन है मैट्रिक्स सी रो वाइज हमने डेटा एंटर किया ठीक है रो वाइज हम डेटा एंटर कर रहे हैं डेटा कहाँ पे हमारे पास दिस इज द डेटा फोर वन जीरो वन नाइन टू जीरो टू सिक्सटीन दिस इज मैट्रिक्स डेटा सो फोर वन जीरो वन नाइन टू जीरो टू सिक्सटीन हाउ मेनी रोज थ्री रोज जनरेट करनी है बिकॉज पी इक्वल्स टू थ्री थ्री रोज जनरेट होंगी थ्री कॉलम जनरेट होंगे थ्री क्रॉस थ्री का हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने नेक्स्ट क्या लिखा है बाय रो यानी इसको रो वाइज अरेंज कर दें विच इज इक्वल्स टू ट्रू कि बाय रो अरेंज हो जाए हमारे पास सो हाईलाइट दिस एंड देन रन डेटा रन हो गया हमारे पास देन डी एफ डीएफ स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डिग्री ऑफ़ फ्रीडम उसके पैरामीटर्स को हम बेसिकली डिफाइन करेंगे ना तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने सपोज किया हुआ है विच इज इक्वल्स टू टेन टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे रखा नाउ दिस इज जनरेट हंड्रेड रैंडम सैम्पल फ्रॉम द विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ यूजिंग द सेट डॉट सीट कमांड सेट डॉट सीट क्या करेगी रेंडम नंबर सैम्पल जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको एज इट इज रहेगी यानी कि वेरी नहीं होंगे अगेन जब हम रेंडम नंबर्स जनरेट करेंगे कमांड ऑफ द रेंडम सैंपल यूजिंग दिस्ट्रीब्यूशन अब यह आप देखो लुकेट दिस इज दर विदल हंड्रेड हंड्रेड सैंपल हमने जनरेट करने हैं दिस पैरामीटर्स पे तो पैरामीटर्स क्या है डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू टेन हमने टेन लेट की है एंड सिगमा सिग्मा हमने डिफाइन किया है सिग्मा हमारे पास कहाँ है दिस इज दी स्केल इन पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर हमने जनरेट करना है ओके okay, हमने सेट डॉट सीट की कमांड यूज करके सैंपल्स जनरेट कर रहे हैं विशार्ट सैंपल्स ओके जी विशार्ट सैंपल हमारे पास जनरेट हो गए कितने हंड्रेड दिस इज दी हंड्रेड देखो वेरियस को वेरियस मेट्रिक्स आपके पास हंड्रेड टाइम्स जनरेट हो गई क्योंकि हंड्रेड सैंपल हमने कहा था हंड्रेड सैंपल हमारे पास आ गए यूजिंग द विब्यूशन विद वैल्यूज के ऊपर अब नेक्स्ट उसने क्या किया पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने नेक्स्ट क्या किया है कि जो आपके पास सैंपल्स आए हैं उनके आपने फर्दर मीन फाइंड करने हैं यानी नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ मीन अंडरस्कोर मेट्रिक्स यानी यहाँ पे जो मेरे पास सैंपल आ रहे हैं इन सैंपल्स का मुझे मीन मैट्रिक्स निकाल दे मीन निकाल के दे वो तो यहाँ पे लिखा है मीन अंडर स्कोर मेट्रिक्स आप मीन अंडर स्कोर मेट्रिक्स की जगह कोई भी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो ये तो मैंने उसको जस्ट कोर्ट किया है विच इज इक्वल्स टू कॉल मीन्स कॉलम वाइज मीन मुझे निकाल के देना कॉल मीन्स किसके निकाल के दे सैंपल्स के यहाँ जो सैंपल्स जनरेट की हैं उनके मुझे कॉलम वाइज मीन फाइंड कर दे सो दिस इज द कमांड हाईलाइट दिस एंड देन

टोटल हंड्रेड मीन्स हमारे पास जनरेट हो गए कॉलम वाइज हमने मीन फाइंड कर लिया तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द विशार डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द पर्टिकुलर डेटा उसके अकॉर्डिंग हमने जनरेट किया है ठीक है दिस इज द एग्जाम्पल हंड्रेड रेंडम सैम्पल्स हमने जनरेट किए हैं विशार डिस्ट्रीब्यूशन का एंड फाइंड द मीन मैट्रिक्स ठीक है ना उसने कहा मीन मैट्रिक्स फाइंड करें मीन मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिए यूजिंग द बिलो वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स

टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर मुझे ये एग्जाम्पल जनरेट कर दें एग्जाम्पल डिटर्मिन हैं हम कि जनरेट करने हमने फाइव विद शार्ट रेंडम सैम्पल और उनके हमने मीन फाइंड करने हैं यूजिंग दिस वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक विथ टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग अगेन दिस इज आर स्टूडियो विंडो नाउ लुक दिस दिस इज टू फाइव फाइव रेंडम नंबर मुझे जनरेट करके दे रहे हैं विद पी इक्वल्स टू थ्री पी क्या है आपके पास डायमेंशन विद डायमेंशन थ्री दिस इज द दैट एक्स ये हमने एस यहाँ पे लेट कर लिया इक्वल्स टू मेट्रिक सी अपडेटा क्या था आपके पास नाउ दिस इज द डेटा टेन थ्री फोर थ्री फाइव टू फोर टू सिक्स रो वाइज डेटा हम एंटर कर रहे हैं ना रो वाइज डेटा हमने एंटर कर लिया टेन थ्री फोर थ्री फाइव टू फोर टू सिक्स कितनी रोज जनरेट कर ले पी और पी क्या है पी हमने डिफाइन किया हुआ है पी हमारे पास थ्री है यानी एन रो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी पी एंड पी विच इज इक्वल्स टू थ्री एंड डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें गिवन है गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल्स टू टेन टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मुझे ये डेटा जनरेट करते हैं सो अगेन दिस इज द लाइब्रेरी मेट्रिक्स अब लाइब्रेरी मेट्रिक्स इंस्टॉल कर रहे हैं एंड सेट डॉट सीट की कमांड ओके सेट डॉट सीट की कमांड मैंने कई दफ़ा बताया वो क्या शो करती है एंड हेयर इज द एक्स एक्स हमें क्या कह रहे हैं क्योंकि हमने अब वहाँ पे सैम्पल्स कह, कह रहे हैं स्केल कह रहे हैं तो यहाँ हमने उसको लेट कर दिया एक्स एक्स के अंडर क्या है आर वे शार्ट यानी रेंडम व शार्ट वो जनरेट कर रहा है विथ एन इक्वल्स टू एन बिकॉज एन हमने डिफाइन पहले किया है एन इक्वल्स टू फाइव डी एफ डी एफ डिफाइंड है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो भी डिफाइन है एंड सिग्मा इक्वल्स टू एस एस जहाँ पे मेट्रिक इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग हमें जनरेट करके दे रहा है एस भी डिफाइंड है सो मैं इसको रन कर रही हूँ डेटा रन हो गया देन ट्रेंड द रिजल्ट यहाँ पे मैंने जस्ट एक्स लिख दिया एक्स लिख लें या हम ट्रेंड एक्स कर लें तो हेयर इज द रिजल्ट फाइव रेंडम सैंपल्स उसने जनरेट कर दिए हैं क्योंकि फाइव है ना इजीली हमने छोटा सा डेटा लिया है वन टू थ्री फोर फाइव यानी रेंडम सैंपल जनरेट हो गए यूजिंग द विशाल डिस्ट्रीब्यूशन अब मुझे उसने क्या करके देना है इनका मेन डिटर्मिन करके देना है सो हेर इज दमांड कॉल मींस किस कालम मीन निकाल के दे इस एक्स का जो हमने एक्स लेट किया हुआ दिस इज दमांड मैंने रखा हुआ मीन अंडर स्कोर मेट्रिक इक्वल टू कॉल मींस एक्स हाई लाइट देन रन अगेन मीन अंडर स्कोर मेट्रिक्स हाई लाइट देन रन सो हेर इज दीन अब कॉलम वाइज मीन हमारे पास आ गए हैं अब ये फाइव रेंडम सैम्पल्स हैं आप इसको मैनुअली भी चेक कर लो कि मैनुअली जो आपके पास फाइव कॉलम वाइज मीन आ रहे हैं क्या वो एग्जैक्ट आ रहे हैं येस ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही हैं आपके पास दिस इज द मीन फॉर वन सैम्पल फॉर सेकेंड सैंपल फॉर थर्ड फोर्थ एंड फाइव दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द विशार डिस्ट्रीब्यूशन सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हियर इफ यू टेक दिस सैम्पल फ्रॉम द मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन द

मल्टीवेरिएट में वेरियंस की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग आर